ब्राउजिंग में इसका आईपी एड्रेस डाल दें, इधर ये स्टार्ट बटन दबा दें, फिर ऑटो डिटेक्ट इसको, फिर इंटरनेट के साथ भी कर सकते हैं, बग़ैर इंटरनेट का भी आप कर सकते हैं। इधर एडमिन जो भी यूज़र नेम पासवर्ड डाल दे, और अभी कॉन्फ़िग इसको एंटर करें कॉन्फ़िग को, और इधर आप वायरलेस का जो नाम डालना चाहते हैं, मैं इधर इमरान डालता हूँ ये नाम, और ऑटो पर लगा दे सेव। इधर जो आप की देता है वायरलेस का पासवर्ड वो आप इधर जो ना एंटर करें, मैं दे रहा हूँ ये एक नंबर पासवर्ड। इसके बाद आप इसको सेव करें, ये तकरीबन 10 सेकंड तक जो है ना ये वेट करे, ऐसा ये नंबर जा रहे हैं काउंट डाउन। तो ये हमारा इसका जो है ना वायरलेस नेम और पासवर्ड दोनों चेंज हो गया। अभी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ नया यूज़र पासवर्ड डाल के, पहला वाला मैं डिसकनेक्ट करता हूँ, अभी कनेक्ट। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कीजिए, ताकि और भी आप इस तरह के वीडियो देख सकें। तो ये अभी कर रहा हूँ मैं इमरान, जो अभी मैंने नया वायरलेस नेम दिया था, सॉरी अभी मैं इसको फॉरगेट करता हूँ, जो पहले वाले वो ख़त्म हो जाएगा कनेक्ट। अभी जो नया पासवर्ड अभी मैंने डाला हुआ है वो अभी मैं एंटर करता हूँ। ये देखिए आप उधर से चेक भी कर सकते हैं, नेक्स्ट यस। ये भी कनेक्ट हो जाएगा। अभी मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ, इसका जो आईपी एड्रेस है वो एंटर किया, और ये अभी एडवांस में जाके इसका मैं एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड वो चेंज करता हूँ, वो इधर चेंज होता है। ये इधर मेंटेनेंस ऊपर ये लिखे हुए मेंटेनेंस, इधर इसको ओपन किया, ये सामने आ गया यूज़र नेम एडमिन का और पासवर्ड। तो वो मैं पासवर्ड सिर्फ चेंज करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट इस दोनों में एडमिन एडमिन होता है, फिर आप जो ना बाद में चेंज कर सकते हैं। सेम उसी तरह आप सेव सेटिंग, ये भी 20 तक ये नंबर जाएगी काउंट डाउन, जैसे ही 20 कंप्लीट हो जाए तो ये चेंज हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं जो ना तकरीबन 210 हो गया, 20 तक काउंट डाउन हो गया। तो अभी दोबारा मैं इसका आईपी एड्रेस इधर एंटर करता हूँ, 192 जो भी है ऐसा आपका सेटिंग हो गया इसका। मेंटेनेंस में है इधर, अभी दोबारा मैं इसको ओपन करता हूँ, अपना आईपी एड्रेस डाल के 192.168.0.1.0.1 वो एंटर किया। ये भी दोबारा जो ना इसका आ गया, जो मेरा अभी नया यूज़र नेम है एडमिन का, तो वो मैं अभी डालता हूँ इसमें। ये मेरा नया एडमिन का पासवर्ड है, यूज़र नेम मैंने सेम एडमिन रखा है, ये देखिए कनेक्ट हो गया।